खबरें के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महाज्योतिष, और अब इस कार्यक्रम में बात करते हैं शेयर बाजार के ग्राफ की। पंडित जी, इस सप्ताह कैसा रहने वाला है शेयर बाजार का ग्राफ? कौन से शेयर में आएगा उछाल और किस क्षेत्र में निवेश करने से निवेशकों को बचना चाहिए? देखिए, इस वक्त हम अभी अध्ययन कर चुके हैं कि 16/5 को क्या होगा। 16/5 को जो सरकार बनेगी उससे पहले की भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। तो मित्रों, डेफिनेटली कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन आने शुरू होते हैं तो हर तरफ हरियाली और हर तरफ खुशहाली नजर आती है। इसलिए इस खुशहाली की के संकेत साफ साफ आपको नजर आएंगे शेयर मार्केट के ऊपर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप पहली पीछे भी मैं बोल के हट पिछले महीने भी मैंने बोला था पिछले हफ्ते कि कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 23,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाता है। यानी 16/5 के बाद तो उसकी उछाल और बढ़ेगी, जिसकी हम चर्चा अगले हफ्ते डेफिनेटली करेंगे। और अब बात करेंगे, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं उछाल नजर आता है। 6950 तक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई देता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नीचे का स्तर भी मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं 22,350 के करीब रहेगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का जो नीचे का स्तर है वो 6,650 के करीब करीब रहेगा। मगर ये ऊपर जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। ऑन द होल आई एम बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, इंडियन बोर्सेस। अब अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो मित्रों गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। प्रेशियस मेटल की भारत में कभी भी हमेशा मांग रहती है। मगर इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संकलनों की बात करें और आज के ग्रह गोचर की बात करें, तो ग्रह गोचर के हिसाब से बाजार में जो सोना है वो 30,200 के करीब करीब पर 10 ग्राम जो है वो जा सकता है। और नीचे का स्तर जो है 29,500-29,400 के करीब रहेगा। मगर 16/5 के बाद इसके समावेश बदलेंगे, क्योंकि डॉलर में 16/5 के बाद में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त चल रही है 42,400-42,800। तो चांदी में भी अगर 42,000 इस वक्त चांदी में निवेश करके रखा जाए तो डेफिनेटली आप अगर 3 महीने या 4 महीने का के बाद का वादा लेते हैं या उसको खरीद कर रखते हैं कि भाई आपको अक्टूबर या नवंबर में चांदी बेचनी है, तो मित्रों डेफिनेटली 46,000-47,000 इवन 50,000 तक चांदी जो है वो आप पर केजी देख सकते हैं। और तेल की बात करें तो तेल में आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो 5,980 से लेकर 6,050 तक तेल पर बैरल चल रहा है। तो तेल में भी एक उछाल नजर आएगा। कहीं ना कहीं तेल को आप देखेंगे कि भारतीय बाजार में तेल एक बार फिर 6,150 का आंकड़ा छू गया है, मगर नीचे का स्तर तेल का जो है वो 5,750 का रहेगा। कहीं ना कहीं सोने में स्टेगनेंसी रहेगी, स्थगित रहेगा, चांदी भी स्थगित रहेगी, तेल में थोड़ा सा बढ़ाव डेफिनेटली नजर आता है। जी चांदनी जी, पंडित जी बहुत ही उपलब्धि भरी और बहुत ही खास भविष्यवाणियां ये साबित होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम महाज्योतिष में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत।